सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से शनिवार को बहुप्रतीक्षित फैसला आने के बाद पलामू जिले में शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। सभी थाना क्षेत्रों में एहतियातन पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल मुस्तैद रखे गए हैं। सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जिले के पांकी प्रखंड सूत्रों ने बताया कि समूचे पांकी थाना क्षेत्र में पुलिस अलर्ट है। सभी क्षेत्रों में पूर्ण शांति है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार रमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान है और लोगों से संयम बरतने की अपील की गई है। अभी हम खड़े हैं पांकी प्रखंड के पांकी चौक पे, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद अयोध्या मामले की सुनवाई होने जा रही है, जहां पांकी में विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और साथ में यहां पर खुद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार रमन जी और साथ में उनके साथ सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, कैसा सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। हमारे साथ अभी जुड़ेंगे जितेंद्र कुमार रमन, पांकी थाना प्रभारी। आइए उनसे मिलते हैं, कैसा उनका सुरक्षा व्यवस्था है। अब से कुछ ही देर बाद अयोध्या मामले की सुनवाई होने जा रही है, यहाँ पर हर जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। क्या सुरक्षा व्यवस्था का ये बताइए। सुरक्षा व्यवस्था तो है और जनता से अपील करता हूँ शांति बनाए रखें। इन्होंने बोला कि हर जगह सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च फैसला है, उसका सम्मान करना है हम लोगों को। इस तरह से लोगों से उन्होंने अपील भी किया कि जो फैसला आएगा उसका सम्मान करें, किसी तरह का कोई हुड़दंगाई नहीं करें, हर तरह से मामले को शांति से बनाए रखें।